अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हजरात को बताने वाला हूँ बिस्मिल्लाह की तासीर के बारे में। जी हाँ, आप बिस्मिल्लाह की तासीर सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक छोटी सी बिस्मिल्लाह की वजह से अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मेहरबानी की अपने बंदे पर। तो चलिए जानते हैं बिस्मिल्लाह की तासीर को। तो एक मरतबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्र पर से हुआ जिस कब्र में मुर्दे को आजाब हो रहा था। फिर जब दूसरी मरतबा उसी कब्र पर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तो इस मरतबा उसके कब्र के अंदर आजाब की तारीकी के बजाय मगफिरत का नूर था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इससे पहले गुजरा था तो आजाब हो रहा था और अब देख रहा हूं कि मगफिरत का नूर उसकी कब्रों में मौजूद है। तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि ए अल्लाह ताला, ये मसला है क्या? इससे पहले गुजरा था तो आजाब हो रहा था और अब गुजरा तो मगफिरत का नूर उसके कब्रों में मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और उनको बताया कि ये एक गुनहगार बंदा था जिसकी वजह से उसको कब्र के अंदर आजाब हो रहा था। लेकिन चूंकि जब उसकी मौत हुई तो उसकी जो बीवी थी वो उम्मीद से थी, यानी कि हालत हमल में थी। जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को मकतब में भेज दिया गया और उस बच्चे को उस्ताद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई तो अल्लाह तबारक व तआला को गैरत आई, हया आई कि मेरे बंदे को मैं जमीन के अंदर आजाब दे रहा हूं और उसका बेटा जमीन के ऊपर मेरा नाम ले रहा है। तो अल्लाह ताला ने इसे एक छोटी सी बिस्मिल्लाह की बरकत से, बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से उसके आदाब कब्रों को ख़त्म फरमा दिया। कितनी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह तबारक व ताला की। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला की रहमत बहाने ढूंढती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही छोटी छोटी इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।